फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जापान कंट्री के बारे में। जापान एशिया महाद्वीप के प्रमुख देश में से एक है। यहाँ चार बड़े बड़े लगभग 6849 छोटे द्वीपों के समूह से बना है। यहाँ सभी द्वीप प्रशांत महासागर का हिस्सा है। जापान के निकटतम पड़ोसी देश हैं चीन, कोरिया तथा रूस हैं। जापान की राजधानी टोक्यो है और इसके कुछ बड़े महानगर योकोहामा, ओसाका तथा कोटोवा है। जापान लगभग 6892 द्वीपों से मिलकर बना है, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा, द्वीप में मात्र 340 द्वीप ही हैं। 340 द्वीप ही एक वर्ग किलोमीटर में बड़े हैं। जापान के केवल चार द्वीप ही जापान के 97% भाग का हिस्सा हैं तथा 6849 द्वीप का क्षेत्रफल जापान के क्षेत्रफल का मात्र 3% है। जापान का लगभग 70% हिस्सा पहाड़ी और यहाँ 200 से ज़्यादा ज्वालामुखी भी हैं। जापान में हर साल लगभग 1500 से अधिक भूकंप आते हैं। जापान में एक द्वीप ऐसा भी है जहाँ कुत्तों को पालना गैरकानूनी है, क्योंकि इस द्वीप पर मात्र 100 लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ बिल्लियों की जनसंख्या इनसे चार गुना ज़्यादा है, यानी कि वहाँ पर 400 बिल्लियाँ रहती हैं। जापान के लोगों का नववर्ष बनाने का तरीका भी लाजवाब है। यहाँ नव वर्ष की खुशी के स्थापत्य मंदिर में जाकर 108 बार घंटी बजाते हैं। जापान के लोग उम्रदार होते हैं। उदाहरण के तौर पर जापान के लगभग 50 लाख से अधिक लोगों की उम्र 100 साल से ज़्यादा है। जापान के लोगों को पालतू पशुओं में बिल्ली, कुत्ते, गिलहरी, गाय आदि पालना पसंद। उदाहरण के तौर पर जापान में इंसानों से ज़्यादा पशुपालन होता है। जापानी लोग समय के पाबंद होते हैं। यहाँ तक कि जापान की ट्रेनें भी 30 सेकंड से ज़्यादा लेट नहीं हो सकती। जापान में खेला जाने वाला प्रसिद्ध खेल सूमो कुश्ती है तथा यहाँ के लोगों को सर्वाधिक लोकप्रिय भी है। जापान के लोग साफ सफाई को लेकर काफ़ी जागरूक हैं। यहाँ तक कि जापान के स्कूलों में भी अध्यापक तथा छात्र मिलकर क्लासरूम साफ सफाई करते हैं। जापान में लोगों की औसतन आयु 82 वर्ष है, जो विश्व में सभी देशों की औसतन आयु की तुलना में सर्वाधिक है। जापान में लोगों को कॉमिक्स पढ़ना बहुत ही पसंद है। यहाँ तक प्रकाशित होने वाली किताबों में लगभग 20% कॉमिक बुक्स होती हैं। जापानी की मृत भाषा जापानी भाषा है तथा यहाँ के लोग जापानी भाषा में ही अपनी शिक्षा ग्रहण करते हैं। यहाँ तक कि जापान के वैज्ञानिक जापानी में ही शोध करते हैं। जापान दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिस पर परमाणु हमला हुआ था तथा यह हमला अमेरिका ने 6 और 9 अगस्त 1945 में जापान के दो बड़े शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर किया था। जापान में लोगों की एक बुरी आदत भी है। यहाँ लोग विश्व में शिकार के लिए प्रतिबंध व्हेल का धल्ले से शिकार करते हैं तथा उन्हें ऊंची दामों पर जापान के मार्केट में बेचते हैं। जापान में आत्महत्या करने पर उसके परिवार को सहायता राशि नहीं देती, बल्कि उसके परिवार के द्वारा सरकार को विवंद शुल्क देना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, ये पसंद मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, प्रेस कर दें बेल आइकन को। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।